ने सुबह सुबह कॉल किया और बोल रहे थे कि भाई मैं जल्दी से आऊँ और एक टैंक लेके आ जाऊं तो गाय मेरे पास तो ये वाला टैंक है चलो मैं आ तो गया कम से कम टाइम पर हो क्या रहा है यहाँ पर और अब आज इतनी देर क्यों एक मिनट भाई अबे फ्रैंकली इतना टाइम कैसे लगा दिया टैंक कहाँ पर है वो छोटो तो नहीं

छोटे से टैंक में बैठ जाते हैं ऑल राइट गाइज यहाँ पर मेरा टैंक देखना जीतेगा बेशक मैं यहाँ पर कछुए की चाल चल रहा हूँ लेकिन भाई मैं बिना रुके बिना थके चलता रहूंगा और यहाँ पर जीत कर दिखाऊंगा बाकी आप भी चाहते हैं मैं ही जीतूँ और इन एवेंचर्स को सबक सिखाऊँ तो जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब और ये टोनी सर ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है मैं जीत रहा हूँ नहीं तू नहीं जीत रहा अरे फ्रैंकलिन जीत रहा है क्या अब फ्रैंकलिन तू आगे कैसे बढ़ गया अभी बताता हूं इसको मैं हो जाता हूँ काम करता हूँ क्यों ना मैं टैंक में ट्रांसफॉर्म हो जाऊ अभी मैं टैंक में, में ट्रांसफॉर्म हो गया अभी बताता हूँ तेरे को टोनी मेरे को आगे जाने दे नहीं भाई तुझे रोक भी लूंगा और ले टक्कर भी मारूंगा ये तो चीटिंग है ये किस तरह की चीटिंग है यहाँ तो बस ये देखा जा रहा है कौन ताकतवर है कौन कमजोर कमजोर लोग कभी यहां पर ताकतवर नहीं बन पाते ताकतवर और ताकतवर बन जाते हैं क्या कह रहा है टोनी तो प्लीज मेरे को जीरो से गॉड टैंक बनने का पूरा हक है और यहाँ पर नंबर वन में आ रहा था किसने कहा अभी तक रेस खत्म नहीं हुई है तो

बन इसके साथ गॉड टैंक मैन अरे बाप रे ये क्या ये तो फ्रैंकलिन जरा है ओए फ्रैंकलिन तू चीटिंग कर रहा है जीता मैं हूं ओ oh नो no, नहीं नहीं मैं गॉड टैंक मैन नहीं बना आ बचा अरे बाप रे यार मिक्सिट ने कहा था अगर चीटिंग से आगे बढ़ोगे तो जीत नहीं पाओगे यार लेकिन ये तो गलत था <laughs> जीतना मुझे चाहिए था, लेकिन यार लाइन टोनी ने क्रॉस की तो शायद वो ही बनेगा गॉड टैंक मैन और मैं कुछ भी नहीं अरे क्या कह रहे हो बा, भाई कल बा, हम लोगों को यहाँ पर एक तगड़ी स्कीम पता चली है भाई तेरे पास बाइक स्कूटर तो जल्दी लेकर यहाँ पर तू जंप लगा और अपने आप को गॉड क्या

नहीं अरे फैंकी भैया टैंक तो बहुत ज्यादा कमजोर होता है ये जम कैसे लगाएगा इसके पास तो सुपर स्पीड बूस्टर भी नहीं है ऐसा नहीं है मेरे पास है एक थोड़ा सा स्पीड बूस्टर है उसको ला के देखूँ क्या ये 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 लगाया ओके मैंने थोड़ा सा स्पीड बूस्टर चल गया रे। भाई कल पहली कहा था भाई एक बार मैं नहीं कर पाएगा तो बैंड बच जाएगी अरे चैन चैन जल्दी से यहाँ पर फायर एक्सटिंग लाओ मैं चल रहा हूँ बाह भाई कल वह तेरा कुछ नहीं हो सकता ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा तो बकवास बंद करो भाई मुझे साग को मिटाना है इसका कुछ नहीं हो सकता अगर तो एक ही सोल्यूशन है क्या सोल्यूशन ए आग के टैंक में बैठो और यहां पर आग में कुछ जाओ और अपने आप को गॉड टैंक में बनाओ

स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा हो सकता है भाई साहब वो कहीं पर गया हो किसी काम के लिए खैर मेरे पास एक बढ़िया प्लान है मैं चाहता हूं पीछे से चुपके से और अवेंजर्स पर अपने मिसाइल टेस्ट करता हूँ ये मेरे को देख भी नहीं पाएंगे और अगर मेरे मिसाइल इनको हार्म कर दिया फिर तो भाई मैं पावरफुल टैंक मैन मैनू सोची जब मैं गॉड टैंक में बनूंगा तो टोनी को भी पीछे छोड़ दूंगा ये ले अब ये क्या हो रहा है ऐसा लग रहा है कोई मच्छर काट रहा हो ये मच्छर बोल रहा है मेरे मिसाइल्स को क्या पागल हो गया ये सही एक बात तो पता चलती है गाइस मैं अभी एक अच्छा टैंक मैन नहीं हूँ देखी कुछ नहीं हो रहा अरे बाप रे हल्को भी ऐसा ही लगता है जैसे चीटी काट रही हो एक मिनट ये छोटा सा टैंक कहाँ से आया हमारे स्टॉक टोनी इससे पहले मेरे को देखे गाइज भाग लेता हूँ इसके पास हाई एंटी टैक टैंक है भाई ये एक मिसाइल में मेरी धज्जिया उड़ा देगा अच्छा तो तू फ्रैंकलिन है भाई अब मैंने तुझे पहचाना कैसे नहीं टोनी प्लीज मेरे को जाने दे मैं बस यहाँ पर अपनी पावर टेस्ट करने आता

मैं कुछ नहीं कर पा रहा ओ नो गॉइज तो ये सारी चीजें हार्म कर रही मेरे टैंक को भैया से पिट के आ रहे हैं अरे यार मैं के पास गया था बाबा भाई कल तू पाल है क्या भाई फैकी भैया आप मरना चाहते हैं क्या अरे यार मैं मरना नहीं बचना चाहता हूँ पहले ये बताओ मैं अपने टैंक से मिजाइल सूट नहीं कर पा रहा हूँ बाकी फीचर्स में यूज कर पा रहा हूँ इसका मतलब आपका टैंक खराब होने वाला है ये क्या कह रहे हो इसका सोल्यूशन क्या है बाबू भाई कल मैं उसके लिए मिलिट्री बैच जाना पड़ेगा और वहां से एक नया टैंक लाना पड़ेगा भाई एक काम का टैंक नहीं मिजाइल लिया जाके

मेरा वहम होगा वो यहां क्या करेगा खैर मैं जल्दी चलता हूं नो नो गाइस टोनी चला गया एक मिनट वाह मेरा टैंक यहाँ पर अब चिंगियार नहीं छोड़ रहा है वाह मतलब अब यहाँ पर मैं मिजाइल छोड़ के अपने टैंक के बाकी फीचर अच्छे से यूज कर सकता हूँ एक भी मिसाइल नहीं रह गई यहाँ पे नहीं नहीं अगर मिसाइल मेरे टैंक में नहीं हुई तो मैं मिसाइल शूट नहीं कर पाऊंगा अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा इसलिए अब मुझे यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर टोनी से मिसाइल की क्रेट छीननी होगी ओ हलो अब तो तू है तू यहाँ क्या कर रहा है निकल जाए यहाँ से वरना को चल दूंगा मैं तुझे नहीं टोनी प्लीज एक मिसाइल की क्रेट दे दे भाई प्लीज एक निकलना है यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तू यहाँ पे बिटाई और मार के अलावा नहीं मैं नहीं चाहूंगा

All right. अच्छी बात है मेरे पास ये है वरना टोनी एक बॉम्ब में, में मेरी बैंड बजा देता और राइट right, दोस्तों यहाँ पर मैं सुपर बूस्टर का इस्तेमाल करके यहाँ से भागे जा रहा हूँ लेट्स को हम फाइनली आ एक मिनट ये क्या चीज़ है और बस इंचन पिंचन चौप ये क्या हुआ पोर्टल में फ्रेंकली भैया पोटल खतरा था होते जा रहा है वाह भाई कल वह जितनी बार तू पोटल यूज़ करेगा इतनी कठिनाई बढ़ेंगी ऐसा खैर वो छोड़ो ये देखो मैं यहाँ पर इतने सारे नए नए मिसाइल्स लेकर आया हूँ है फिर तो जल्दी से सारी मिसाइल्स को अपने इन खतरनाक हेड में अटैच कर लीजिए बिल्कुल सही कहा गाइस और मैंने सारे मिजाइल एक्टिवेट कर लिया है अब देखना मैं यहाँ पर अच्छे से मिसाइल भी शूट कर पाऊंगा और अपने आप को गॉड टैंक मैन भी बना पाऊंगा लेट्स गो गाइस वाह क्या बात है वापस से मेरे पास मिसाइल यूज करने का फीचर आ गया और सबसे अच्छी बात मैं right, guys, अब मैं इनको अनलिमिटेड यूज कर सकता हूँ ऑल राइट गाइज अब मैं टोनी से लड़ने पहले मैं खुद को बनाऊंगा गॉड टैंक मैन वो भाई तलवा तू कर लेगा भैया आप कर लेंगे क्या बात है क्या बात है गया ओके वाह मेरा टैंक अपग्रेड हो गया और भाई साहब मेरी बॉडी भी क्या बहुत एकदम एकदम खतरनाक यार यहाँ पर योद्धा जैसी बॉडी और भाई साहब मेरा हेड इतना खतरनाक टैंक सिंचन पिंचन चॉप हैं सिंचन पिंचन चॉप कहाँ पर गए सिंचन पिंचन चॉप देखो ओ माय गॉड ये क्या इतना सारा ब्लड यहाँ पर तो सिंचन पिंचन चॉप थे अरे बहुत बढ़िया हुआ ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज है

सोचना सिंचन पिंचन चौक को करते तो लेके जाना है तो मुझे पहले हराना पड़ेगा गाइस मैं टोनी से नहीं लड़ सकता बस मैं सिंचन पिंचन को बचा सकता हूँ इसलिए मैं जाऊँगा और जाकर सिंचन पिंचन को अपने टैंक से अटैच कर लूँगा और लेके भग जाऊँगा गाइस काश मैं यहाँ पे सच में गॉड टैंक मैन होता और टोनी से लड़ पाता कोई बात नहीं दोस्तों अभी भी मेरे पास पोर्टल है उस पोर्टल का इस्तेमाल करके मैं अपने आपको गॉड टैंक मैन बना सकता हूँ लेट्स गो गाइस मुझे पूरी स्पीड में जाना पड़ेगा और अपने आपको गॉड टैंक मैन पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद ही मैं सिंचन पिंचन को बचा ये क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ये क्या कर दिया आपरा करके इस पोर्टल को पूरी तरह से तोड़ तो

बताओ लेकिन वो कैसे मेरे पास एक आइडिया है तुम लोग जल्दी मेरे साथ चलो गाइस असल में मेरा प्लान यही था मुझे पता था मैं टोनी को नहीं हरा पाऊंगा मुझे बस उसको डिस्ट्रैक्ट करना था और यहाँ पर सिंचा मिंचा चॉप से दूर करना था जैसे कि मैं उनको लेकर आसे भाग सकूँ फ्रैंकलैंड रुक जा ऑलराइट दोस्तों अब टोनी मेरे पीछे आ ही रहा होगा आ नहीं रहा तो आ गया है, 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 है। मेरे पास सुपर लाइट स्पीड है फ्रैंकलिन मैं टैंक जीते जी तू यहां पर किसी भी हालत में गॉड टैंक मैन नहीं बन पाएगा प्लीज सामने से हट जा मुझे यहां पर अपने आपको गॉड में बनाना होगा नहीं करूंगा ले 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 ले, ले सुपर रैपिडली फायर खतरनाक मिसाइल अटैक बहुत खतरनाक है भाई तो हालत खराब कर दी गाइस

आपको ये वीडियो पसंद आया ना गाइस तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच